गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 7 क्लास के भूगोल का लेसन नंबर फर्स्ट जो है पर्यावरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण वो होता है हमारे आसपास की वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कराए कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खुले खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। जो रवि है, छुट्टियों के बाद जब वो अपने घर जा रहा था, तब वो क्या हुआ कि देखा कि स्कूल के निकट के खेल के जो मैदान है उसमें क्या हुई है, खुदाई हुई है। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था, और वहां पे एक मैदान और था जिसमें क्या होते थे, बच्चे खेलते थे। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। अब जो वहां के आसपास के जो लोग थे, वे लोग बताए रवि से वहां पे क्या है, एक बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है, यानी फ्लैटों का इमारत बनने वाली है। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में यानी आंखों से आंसू छलकने लगी। तब रवि की इस बात को पता चला कि जो मुलायम घास हैं, जो बड़े बड़े गेंद के फूल थे, वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब सुबह की जो क्लास हो रही थी, उसी में जब प्रधानाचार्य आए, वो बताए कि देखो हमारा जो पर्यावरण है कैसे बदल रहा है। अब रवि जो है कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। अब रवि जो है वो पूछता है कि पर्यावरण जो है क्या है, शिक्षक ने बताते हैं, शिक्षक जो है टीचर जो है बताते हैं कि जो कुछ भी तुम अपने आसपास देखते हो क्या है, सब पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण। रवि कहने लगा, रवि जो है कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण का अंग है। रवि जो है वो कहने लगा कि जो स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी जो कुर्सियां है, या कूड़ा करकट है, या मेरे दोस्त है, ये सभी क्या है, पर्यावरण का एक अंग ही है। तो शिक्षक ने जवाब दिया, हाँ। शिक्षक ने कहा कि हाँ, लेकिन रुको, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब शिक्षक जो हैं, अब बताते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसका निर्माण क्या किया है, प्राकृतिक ने किया है, और कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसका निर्माण मानव ने किया है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए।
अब शिक्षक जो कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों से कि आप लोग दो दो मिल करके कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति के या मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। आप लोग अपने आसपास के जो सहपाठियों के साथ मिल करके जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है वस्तुएं और जो मानव द्वारा निर्मित है वस्तुएं, उनका क्या बनाए, सूची तैयार करें। अब रवि, परमजीत, जेसिस, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। अब रवि के जो दोस्त हैं, सहपाठी हैं, जैसे जेसिस हो गया, मुस्तफा हो गया, आशा, ये सब क्या थे, इस सूची को बनाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। अब जो इकबाल जो है, इकबाल उन्हीं लोग का सहपाठी है, अब वो पूछता है कि हमारा जो पर्यावरण है क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। अब शिक्षक जो है जवाब देते हैं कि ऐसा जो होता है हमारी जरूरतों के कारण ही होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। ये क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहती है। तो चलिए इस हम फिगर के द्वारा समझते हैं पर्यावरण के विषय में। देखिए, पर्यावरण का मुख्य घटक होते हैं तीन। पहला क्या होता है, मानव। दूसरा होता है मानव निर्मित। तीसरा होता है प्राकृतिक। अब देखिए, मानव है, मानव में क्या जाएगा, मानव का क्या है, संसाधन ही है। मानव परिवार भी संसाधन है, समुदाय की सेवा संसाधन है, ये सब क्या है, मानव संसाधन है। राजनीतिक स्थिति ये सब क्या है, संसाधन है, मानव के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, मानव निर्मित क्या होते हैं, जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे पुल हो गया, उद्योग हो गया, इमारतें हो गई, पार्क हो गया, जो क्या हो, प्रक्रिया मानव द्वारा तैयार किया जाता है, वो क्या हो जाता है, मानव द्वारा तैयार किया जाता है, वो होता है मानव द्वारा पर्यावरण, मानव द्वारा तैयार किया गया पर्यावरण। ठीक है। अब जो प्राकृतिक द्वारा तैयार होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे ये जल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जीव मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, यानी प्राकृतिक द्वारा जो तैयार किया जाता है उसके बोलते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे किसी, अगर हम मान लीजिए हमको कुर्सी बनाना होता है तो क्या करते हैं, हमको लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो जो लकड़ी होती है हम किसी, या शीशम का पेड़ लें या सेमर का पेड़ लें, उस लकड़ी को क्या बनाते हैं, हम लोग कुर्सी बनाते हैं, चेयर बनाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम जाएंगे जंगलों से शीशम का क्या करेंगे, पेड़ को काटेंगे, तो पेड़ जो है क्या हो जाता है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण हो जाता है। लेकिन क्या करना होता है, उसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करने के लिए क्या करते हैं, उस प्राकृतिक वातावरण को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, और क्या करते हैं, एक मतलब संसाधन तैयार करते हैं, जैसे चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गई, क्या करते हैं हम लोग, एक संसाधन तैयार करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब यहां बताया गया है कि जीवी अजीवी, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, ये क्या होते हैं, जीवी होते हैं। अब अजीवी क्या होते हैं, निजीव पदार्थ एवं संसार के स्थल मंडल, ये सब क्या होते हैं, अजीवी होते हैं। पर एक ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो या स्थल हो या वस्तु
एवं कोई भी प्राणी हो क्या कहलाता है? प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, उसी क्या कहते हैं हम, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। ये क्या होता है? ये जो होता है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थिति सम्मिलित है। अब कह रहा है कि प्रकृति के पे पाए जाने वाली ये जो पर्यावरण है, या जीवी हो सकता है अजीवी हो सकता है, दोनों स्थिति में क्या है? सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं में क्या होती है? सम्मिलित होती है। आप कह रहा है कि जबकि मानव पर्यावरण में क्या होता है? मानव की परस्परिक क्रिया के द्वारा तथा उनकी गतिविधियों के द्वारा क्या होता है? जो मतलब संसाधन बनाई जाती है, संसाधन बनाई जाती है, उसके द्वारा क्या होती है? ये सब सम्मिलित होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण यानी प्रकृति का पर्यावरण, और उसमें हम जानेंगे कि जो प्रकृति का पर्यावरण है वो किस प्रकार की है, उसकी रूपरेखा के बारे में जानकारी करेंगे। इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।